हे जय श्री राम एवरीवन, मैं हूं काजल, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम टीएमवी महाराष्ट्र। जब भी हमें कहीं एडमिशन लेना होता है तो हम उसके बारे में सर्च करते हैं सब जगह कि फ़ीस क्या है, कैसे क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा बहुत देखो चीज़ों में चेंज आता है, जैसे कि अगर मैं भी आपको बताऊँ फ़ीस के बारे में तो थोड़ा बहुत मे बी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो हमेशा के लिए वैसा रहेगा या नहीं, लेकिन फिर भी हमें कुछ आइडिया मिल जाता है। तो हम उसकी फ़ीस के बारे में सोचते हैं, वहाँ पर हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है, एवरीथिंग हमें जाननी होती है। ठीक है, तो मैं अपने कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे के बारे में। तो मैं एक वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, मैं दो या तीन पार्ट्स में ये वीडियो बनाऊँगी छोटी छोटी करके, जिससे आपको कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ कॉलेज। तो मेरा कॉलेज यानी कि तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे का कॉलेज, ये हमारा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। सबसे बड़ी बात, दिस इज़ नॉट प्राइवेट कॉलेज, दिस इज़ नॉट गवर्नमेंट कॉलेज। अब गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस वो होते हैं जो कि कोई ना कोई प्राइवेट मैनेजमेंट ओन कर रहा होता है, बट उसकी फंडिंग गवर्नमेंट से भी होती है एंड गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल होता है। साथ ही साथ जो भी इसमें सिलेबस होता है, जो भी कंटेंट्स होते हैं कोर्स के, वो सारे गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्या है गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ये एक अलग टॉपिक है, तो इसको किनारे रखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फीस। ठीक है, सारी कैटेगरीज के लिए। तो फीस के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स की, यानी कि जो महाराष्ट्र के हैं उनके लिए। तो ओपन कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 64,720 फॉर अ ईयर। ध्यान रखें, ये जो मैं फीस बता रही हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो महाराष्ट्र का डोमिसाइल जिनके पास है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि महाराष्ट्र में रहते तो हैं पर उनका 10th 12th कहीं और से होता है या फिर उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं माने जाएंगे तो आप स्टेट कोटा में भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए महाराष्ट्र का। अब बात करते हैं हम EWS कोटा स्टूडेंट्स की, जो फीस है वो 39,470 है। उसके बाद बात करते हैं रिजर्व्ड SC ST कैंडिडेट्स के लिए, तो ये जो फीस है वो 14,220 रुपीज़ पर ईयर। और उसके बाद कुछ रिजर्व कैटेगरी जैसे कि VJNT, OBC, SBC, इसके लिए जो फीस है वो 17,220 है। ठीक है, तो ये रही हमारे स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स की फीस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स। जो महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा में भी दो टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, वो जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है और दूसरे वो जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, यानी कि वो किसी और स्टेट से हैं, तो ऑब्वियसली बात है महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है भी तो भी आपके पास 10th और 12th का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका महाराष्ट्र का ही होना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी फ़ीस अप्लाई होगी जो मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। बस अगर आपका यहाँ का डोमिसाइल नहीं है, मतलब आप आउट ऑफ महाराष्ट्र से हैं और आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल भी नहीं है, तो ऑल इंडिया कोटा से आपको एडमिशन लेने के लिए, आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको ओपन कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा एंड आपकी फ़ीस होगी 64,720। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज़ की, वो भी तब जब आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का हो तब। ठीक है, तो उसके लिए आपके जो EWS की फ़ीस है वो सेम आपके स्टेट वालों की जैसी 39,470 है। उसके बाद SC ST की 14,220। उसके बाद रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे कि OBC, SBC वगैरह, तो उनके लिए है 17,220। दिस वॉज ऑल अबाउट दी फीस स्ट्रक्चर ऑफ दी तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय। द सेकेंड वीडियो विल बी अबाउट दी कट ऑफ, यानी कि हमारे कॉलेज में लास्ट ईयर की 2023 की कट ऑफ कितनी गई थी हर एक कैटेगरी की। सो वेट फॉर दैट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, जिसको भी आपको लगे कि जरूरत है उसे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको भी कुछ क्वेरी है कॉलेज के बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।